हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आपको स्प्राउटेड मूंग की कड़ी बनाना सिखाऊंगी, तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हम एक कटोरी अंकुरित मूंग लिए हैं, गरम मसाला पाउडर लेंगे, एक लाल मिर्च लेंगे, नमक लेंगे, जीरा लेंगे, धनिया पाउडर लेंगे, हल्दी पाउडर लेंगे, लाल मिर्च पाउडर चाहिए, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर चाहिए, तेल चाहिए, पानी चाहिए, एक बारीक हरा मिर्च कटा हुआ चाहिए, अदरक चाहिए थोड़ा सा कद्दूकस किया हुआ, थोड़ा सा लहसुन चाहिए, 6-7 करी पत्ता चाहिए, टमाटर चाहिए बारीक एक कटा हुआ, एक बारीक कटा हुआ प्याज चाहिए। गैस को हम ऑन कर चुके हैं, कढ़ाई हमारा गर्म हो चुका है। इसमें हम तेल डाल चुके हैं 4-5 चम्मच। फिर हम उसमें तेल गर्म होने के बाद जीरा डाल दिए 1/2 चम्मच। जब जीरा चटकने लगेगा तब उसमें हम लाल मिर्च डाल दिए हैं, फिर प्याज डाल देंगे और प्याज को भूनेंगे। प्याज को हम हल्का 1-2 मिनट तक भूनेंगे, फिर उसमें हम करी पत्ता ऐड कर देंगे और इसको मिला के भूनेंगे। फिर इसमें हम कद्दूकस किया हुआ लहसुन डाल देंगे, उसको चलाएंगे। गैस का फ्लेम मीडियम ही रखेंगे। फिर इसमें कद्दूकस किया हुआ अदरक डाल देंगे। ये हरा मिर्च जो काट के रखे थे वो डाल देंगे। आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे और इन सभी चीज़ों को भूनेंगे। फिर इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, इन सभी चीज़ों को चलाएंगे अच्छे तरीके से। गरम मसाला पाउडर डाल देंगे 1/2 छोटा चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे 1/2 छोटा चम्मच, फिर हम टमाटर जो एक बारीक काट के रखे थे उसको हम ऐड कर देंगे इसमें। इन सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से हम भूनेंगे। फिर अंकुरित मूंग था वो डाल देंगे हम इसमें और उसको अच्छे तरह से भूनेंगे। ये बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। अच्छे तरीके से इसको हम 2-3 मिनट तक मीडियम आंच पे भूनेंगे। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। अब इसमें हम पानी डाल देंगे और गैस की आंच को धीमी कर देंगे और इसको ढक्कन से हम ढक देंगे। 1.5 गिलास के करीब हम इसमें पानी डालें और 7-8 मिनट तक के लिए इसको ढक्कन से ढक के रखेंगे। बीच बीच में खोल के देखते रहेंगे। ये सब्जी हमारा बन के रेडी हो चुका है। आप इसे बनाइए और खाइए। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।